सत श्री अकाल जी। D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का पंजाब बुलेटिन में स्वागत है। मैं इंद्रजीत सिंह टवाणा। सब तो पहले शुरुआत करते हैं अज दी मुख सुर्खियों तो। अमृतपाल सिंह दी नेपाल भजन की संभावना देखते हुए भारत नेपाल बार्डर से किया गया हाई अलर्ट। कांग्रेसी सत्याग्रह में जगदीश टाइटलर के शामिल होने बीजेपी आगुआ ने कांग्रेस से साधे निशाने। अकाली दल का सबका विधायक जगबीर सिंह बराड़ आम आदमी पार्टी में होया शामिल। एक बार फिर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह मिली ट्विटर से धमकी। हुण खबर विस्तार नाल। पंजाब विच पए भारी मीह तेज हनेरी ते गड़ेमारी कारण किसानों की वड्डी मात्रा में कणक का नुकसान होया है, जिस तों बाद सरकार तो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसे दे चलते श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को अपील की है कि वह किसानों को बनता मुआवजा देन। इसे दे चलते अमृतपाल के मुद्दे से उन्होंने सरकार को घेरिया है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल अज अमृतसर पहुंचे ते श्री हरिमंदर साहब नाल नतमस्तक हुए। इस तों बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता की, जिस च उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों की 50 से 60% फसल का नुकसान होया है, जिस लई पंजाब ते केंद्र सरकार नूं किसानों नूं घट्टो घट 50,000 प्रति एकड़ मुआवजा देने का ऐलान करना चाहिए। नाल ही उन्होंने इल्जाम लगाए कि सरकारां गिरदावरियां करन दे हुक्म तां दे दिंदियां ने पर मुआवजा नहीं दिंदियां। पिछले 2-3 दिनों च मैं पंजाब के कई पिंडां जिलिया जाके आया। फसलां मैनूं लगता है पूरे पंजाब च अप्रोक्सीमेटली 50-60% कणक की फसल तां मैनूं लगता खराब हुई है। बहुत वड्डा नुकसान किसानां दा होया, गरीबां दा होया, जिन्हां दे कई घर भी डिग पए। सो अज मैं थोड़े राही पंजाब सरकार नूं कहना चाहुंदा है कि अपनी जिम्मेवारी संभालन, इमीजिएटली घट तो घट 50,000 रुपया एकड़ मुआवजा इमीजिएटली रिलीज़ करन। कल्ले बयान दे ना नहीं सरना, जिहड़े भगवंत बेईमान दी जिहड़ी सरकार है, पिछले 2 फसलां च बहुत वड्डा नुकसान होया। नरमे दा नुकसान भी होया ते झोने च भी नुकसान होया सी। ऐलान कर देंदे गिरदौरियां दा पर पैसे हले तक नहीं आए। परेशान पंजाब दे किसान है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं भी बेनती करदा है, आ एक नैचुरल कलैमिटी है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाल गल करके नैचुरल कलैमिटी डिकलेयर करके पैसा लेके आउन। इस दे नाल ही सुखबीर बादल ने ऑपरेशन अमृतपाल तहत गिरफ्तार किए जा रहे सिख नौजवानों ते पंजाब सरकार नूं घेरिया ते सीएम मान ते जम के निशाने साधे। उन्होंने कहा कि तकरीबन 100 परिवारों ने सानू अप्रोच किया ते तकरीबन 40-50 परिवार बच्चे दा असी छड़ा भी लते है। मैं कल ही मलोट साढ़े एक बच्चा सी उहनूं असी छड़ाया। मैनू बरनाले जिले तो राही साहब का फोन आया सी, उन्होंने बच्चे छड़ाए है। तो अजनाले तो भी सानू खबर है कि वह बच्चों छड़ा लिया अपने वर्करा ने जाके, लीडरशिप ने जाके। बाबा बिकाले तो भी सानू रिपोर्ट आई है। सो मैं अपने सारी पार्टी के वर्करा बेनती करदा है, जिथे जिथे बेकसूर इनोसेंट बच्चे फड़े जा रहे हैं उन्होंने आप उन्होंने परिवारों को जाके साथ दईए। हो की रहा किसी बच्चे ने कोई पोस्ट शेयर की है उन्होंने फड़ के अंदर कर देंगे। सो जिहड़े पोस्ट शेयर करना कोई गुनाह नहीं है, पर तुसी जे बार बार उन्हें फड़ के अंदर करोगे, उन्होंने उत्ते जुल्म करोगे, किड्डी वड्डा नुकसान जवानी का हो जाना है। तो दादी कि अमृतपाल सिंह फरार चल रहा है ते पंजाब पुलिस लगातार उस दी भाल विच लगी हुई है। हुण अमृतपाल सिंह बारे वड्डे खुलासे होए ने, जिस तों बाद पंजाब पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। पंजाब पुलिस वालों अमृतपाल सिंह दे व्हाट्सएप नाल जुड़े सारे लोगों की जाँच की जा रही है ते उन्हां ते नज़र रखी जा रही है। पिछले दिन SSP खन्ना ने बड़े खुलासे किए सन, जिस तों बाद अमृतपाल सिंह ते वड्डी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अमृतपाल के करीबी तेजिंदर सिंह की राइफल नाल अभ्यास करने की वीडियो भी सामने आई है। फिलहाल तेजिंदर सिंह पुलिस की हिरासत में है और उस नूं रिमांड ते लै लिया गया है। गोरखा बाबा के मोबाइल में अजिहियां वीडियो ते तस्वीर सामने आई हैं, जिन्हां विच हथियार ते बुलेट प्रूफ जैकटा ते AKF लिखिया नजर आ रहा है। दस दिए कि मोबाइल चो वीडियो मिलने तों बाद इसकी फोरेंसिक जांच की जा रही है। अमृतपाल के करीबी तेजिंदर सिंह के मोबाइल तो आनंदपुर खालसा फोर्स अते आनंदपुर टाइगर फोर्स ग्रुप के 2 व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं, जिन्हों की जांच की जा रही है। पुलिस इन ग्रुपों नाल जुड़े लोगों नूं प्रोडक्शन वारंट ते भी लिया सकती है। उक्त ग्रुपों नाल जुड़े लोग इस समय पंजाब दे जेलों में बंद हैं। दादी है कि AKF विच ओ लोग भी शामिल हैं जो नशा छुड़ाओ केंद्र विच नौजवानों या नवे मैंबर शामिल कर रहे सन। दूजे ग्रुप अमृतपाल टाइगर फोर्स विच अमृतपाल के करीबी शामिल हैं। थोड़ी मैडम प्लीज।
ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਲੋਗੋ ਹੈਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਮੁਝੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦ ਵੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਸਟੇਟ ਫਾਈਟ ਕਰੈਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥਾ ਇਸਕੋ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨੇ ਕਾ तो मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इसका एक बहुत ही क्लोज सर्कल में जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड से चलता है एक व्यक्ति उसका वो हमारे खन्ना जिले में पायल सब डिविजन में उसका गांव मांगेवाल पड़ता है तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि जो भी रेलिवेंट है कि हमें हेल्प हो सकती है तो उसी टाइम मैंने अपनी टीम लेड बाय एसपीडी प्रज्ञा जैन आईपीएस और अलॉन्ग विद डीएसपी पायल हरसिमरत चैत्रा और एसएचओ जो उस एरिया के एसएचओ हैं मलौत के सब इंस्पेक्टर लखवीर हमारे सीआई इंचार्ज के इंस्पेक्टर अमनदीप सिंह हमारी सारी टीम्स ने जॉइंटली टेक्निकली और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पे हम इस पे लग गए कि हमें जल्दी से जल्दी इसका जो क्लोज एसोसिएट है उसको अरेस्ट करना है और 22 तारीख को हमें ये जो तजिंदर सिंह गिल उर्फ गोरखा बाबा है इसको हमने अरेस्ट कर लिया ये अमृतपाल सिंह जो वारिस पंजाब डे का चीफ है उसका बहुत ही क्लोज मेंबर है और ये उसकी क्लोज प्रोटेक्शन टीम में उसकी सिक्योरिटी भी इंट्रस्ट की गई थी इसको ये आनंदपुर खालसा फौज जो रिसेंटली अमृतपाल ने बनाई है उसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर था और इसको रेज किया गया था अमृतपाल सिंह का की तरफ से एक आर्म स्ट्रगल वेज करने के लिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट खालिस्तान स्टेट कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर दे कांग्रेसी पार्टी दे एक सत्याग्रह विच शामिल होण ते सियासत गरमाउंदी दिखाई दे रही है बीजेपी आगुआं वल्लों कांग्रेस पार्टी दे निशाने साधने शुरू कर दित्ते गए ने उन्हां वल्लों कहा जा रहा है कि सिखां दे विरोधी टाइटलर नूं कांग्रेस पार्टी वल्लों हमेशा ही मान सत्कार दित्ता गया है इस दे चलदे बीजेपी आगू मनजिंदर सिसा वल्लों एक ट्वीट करके जगदीश टाइटलर दी एक वीडियो दे नाल कैप्शन पाया गया है उन्होंने कहा कि गांधी परिवार दीआं सिख विरोधी कार्रवाइयां जारी ने कांग्रेस ने जगदीश टाइटलर नूं सन्मान करन दा कोई भी मौका नहीं छड्डिया यह जानदिया कि 1984 विच सिख नसलकुशी दौरान जगदीश टाइटलर मुख्य भूमिका निभाई सी गांधी परिवार कांग्रेस के हर समागम विच टाइटलर नूं अगे रख के सिखां दे जख्मां ते लूण छिड़कदा है इस तों पहलां 2022 दीआं दिल्ली नगर निगम चोणां ते फैसला लैण वाली कमेटी दे हिस्से वजों टाइटलर नूं चुणन तों बाद पार्टी नूं निशाना बणाया गया सी 31 अक्तूबर 1984 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸਦੇ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵਿਣੁਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਆਮ ਉਪਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਦੱਸਿਅਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਲਕਾ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਜਗਮੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਜਗਮੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਗਮੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ 2007 ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੀਪੀਬੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਆਬਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝਾੜੂ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ
ते लगातार सारियां पार्टियां इत्थों जितण दी कोशिश कर रही ने। हुण देखना होगा कि किस पार्टी का कब्जा इस चोण ते हुंदा है। अमृतपाल सिंह दी भाल जारी है ते पुलिस वल्लों उस दे लई सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस दे लई पंजाब विच कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसलिए पुलिस वल्लों लगातार फ्लैग मार्च कढ़े जा रहे हैं ते पुलिस वल्लों थां थां सख्ती दिखाई जा रही है। इसे दे चलदे फिरोजपुर विच भी एक फ्लैग मार्च कढ़िया गया ते पुलिस वल्लों लोगों नूं जागरूक किया गया कि अफवाहां तों बचे रहन। फिरोजपुर विच अमृतपाल सिंह दे मुद्दे नूं लैके भारी पुलिस फोर्स वल्लों अमन कानून दी व्यवस्था नूं बनाए रखण लई फ्लैग मार्च कढ़िया गया। पिछले कई दिनों तों अमृतपाल सिंह नूं लैके सूबे भर विच अमन कानून दी व्यवस्था बनाए रखण लई पंजाब पुलिस ते होर सैनिक बलों की मदद नाल सुरक्षा दे पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पंजाब भर विच जिथे नाकाबंदी की गई है उत्थे ही पंजाब पुलिस वल्लों वख-वख जिलों विच फ्लैग मार्च भी कढ़े जा रहे हैं। इस मौके जानकारी दिंदिया SHO दीपिका कंबोज ने दस्सिया कि मुख्यमंत्री पंजाब अते DGP पंजाब दे SSP फिरोजपुर दे सख्त निर्देश दिते गए हन कि सूबे भर विच अमन शांति बनाई रखी जावे। माननीय CM साहब, माननीय SSP फिरोजपुर श्री भुपिंदर सिंह जी दे वल्लों दिशा निर्देशों के अनुसार जो अमृतपाल वाले मुद्दे दे विच जिहड़ा हैगा पंजाब दी लॉ एंड ऑर्डर दी स्थिति नूं खराब करन लई जिहड़े शरारती अंसलां वल्लों हरकतां कीतियां जा रहियां ने उहनां नूं कंट्रोल करन दे लई असीं शहर दे विच फ्लैग मार्च कीता जा रिहा ते असीं शरारती अंसरां नूं इह वार्निंग देना चाहुंदे आ ते उहनां नूं इह कहना चाहुंदे आ कि असीं पंजाब दी लॉ एंड ऑर्डर दी स्थिति नूं खराब नहीं होण देंगे ते लोकां नूं शांति बनाई रखण दी अपील करदे आ कि पंजाब दी स्थिति काबू दे विच है ते किसे वल्लों कोई भी वारदात नहीं। जीरा दे विच जिहड़े हैगे ने लॉ एंड ऑर्डर दी स्थिति ते जिहड़े हालात ने वो बिल्कुल काबू दे ने विच ने, बिल्कुल शांतिपूर्वक माहौल है, कोई भी इहो जी अनसुखावी घटना फिरोजपुर जिले दे विच नहीं वापरी है। इस तहत किन्नियां फोर्सां लगियां होईयां? इस दे तहत वख-वख बलों तो फोर्सां तैनात कीतियां गईयां ने। साडे कोल CRP दे वल्लों BSF वल्लों वख-वख जिहड़ियां हैगियां ने बलों इत्थे पहुंचियां ने ते उहनां दे संयोग दे नाल असीं गए अपने फ्लैग मार्च कर रहे हैगे आ। अमृतपाल सिंह दे फरार होण तों बाद लगातार अफवाह दा सिलसिला जारी है ते सूबे भर विच लोकां नूं भड़काउण दी कोशिश कीती जा रही है जिसके चलते पुलिस वालों सख्ती वरती जा रही है ते लोकां नूं जागरूक करन दी कोशिश कीती जा रही है। वेला हो गया एक छोटे जे ब्रेक दा, मिलदे आ ब्रेक तों बाद। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ कुलराज रंधावा ते तुसी वेख रहे हो D5 चैनल पंजाबी जिहड़ा लॉन्च हो चुका है हुण कैनेडा विच। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो। ब्रेक तो बाद सारे एक बार फिर स्वागत है बाध्या अली खर वल। राहुल गांधी की संसद की मैंबरशिप रद्द होने तो बाद कांग्रेस वालों पूरे देश में संकल्प सत्याग्रह किया गया जिसके चलते जिला ते ब्लाक पद्धर उत्ते कांग्रसी आगुआ वालों सत्याग्रह किया गया। इसके चलते बठिंडा भी कांग्रसी आगुओं वालों सत्याग्रह किया गया जिस दे विच पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा बणिक दी धर्मपत्री पहुंचे ते उन्हां वल्लों BJP सरकार ते जम के निशाने साधे गए। जिला कांग्रेस कमेटी की अगुवाई हेठ बठिंडा के जिला प्रबंधकी कंपलैक्स के सामने अंबेदकर पार्क विच सवेरे 10 बजे तो शाम 5 बजे तक चलण वाले इस समागम विच वड्डी गिणती विच कांग्रसी आगू पहुंचे। इस मौके कांग्रेस ने मोदी सरकार विरुद्ध नारेबाजी करदिआं दोष लगाया कि विरोधियों की आवाज दबाउण लई सरकार ने कार्रवाई की है। धरने तों बाद पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा बणिक की पत्नी अमृता बणिक ने दावा किया कि राहुल गांधी की अगवाई हेठ विरोधी धिरां वल्लों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कारोबारी गौतम अडानी नाल दोस्ती बारे सवाल खड़े किए जा रहे सन जिसकी बौखलाहट च सरकार ने यह कदम चुकया है। इस मौके उन्होंने पंजाब सरकार उपर भी सूबे च अमन कानून की स्थिति काबू हेठ ना रखण दे दोष लगाए। पंजाब सरकार की नाकामयाबी है, पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इन्नी कमजोर हो चुकी है कि इन्हों तो सरकार इन्हों तो पंजाब संभल ही नहीं रहा। देखो ये आम जदों अखबार खोली दे जदों कितें खबरां वेखी दियां तो ये आम खबर आ रही है कि फलानी थां ते नौजवान का कतल हो गया, फलानी थां ते उत्थे कतल हो गया, पर कितें भी कोई मुजरिम फड़िया नहीं जा रहा। ये लॉ एंड ऑर्डर पंजाब का कोलैप्स कर चुके आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर, बहुत ही माड़ा हाल है सरकार का। रद्द की है भाजपा सरकार ने और सदस्यता रद्द करन का कारण बहुत ही बेबुनियाद है।
उन्होंने सिर्फ उन्हां तो अडानी जी बारे सवाल पूछे गए सन। अडानी जी नाल भाजपा का रिश्ता की है, ये सवाल बार बार सदन पूरी ओपोजिशन वालों चके जा रहे सन। तो अडानी जी नाल रिश्ता की है ये दस नहीं सके, तो बार बार अडानी नू बचाउण वास्ते उन्होंने वखो वखरे हथकंडे अपनाए, तो जदों उन्हां तो ये सवाल ना बंद कराए गए उन्होंने अंत दे विच राहुल गांधी जी सदस्यता नू रद्द करता उन्हां दी आवाज़ नू बंद करन दे लई। इस करके इस रोस दे विच कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर दे विच सुबह 10 बजे तो लेके शाम दे 5 बजे तक सत्याग्रह रखे है और ये धरना पूरे देश भर दे विच इसे तरह चल रहा है। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी दी देहाती दे प्रधान खुशबाग सिंह जटाणा ने भी केंद्र ते हमले करदिआं कहा केंद्र सरकार नूं चेतावनी है जिस वालों विरोधी धिर नाल धक्केशाही की जा रही है। अज समुची कांग्रेस पार्टी वालों पूरे देश विच सत्याग्रह किया जा रहा है, विरोधी धिर दे नाल सत्ता पक्ष वालों जिहड़ा किया जा रहा धक्का उहदे खिलाफ एक चेतावनी है कि जिहड़ा संविधान बाबा राव अंबेडकर जी ने लिखिया है अज उहदियां ही धज्जियां उड़ाईयां जा रही पूरे देश विच। आज़ादी तो बाद मैं नहीं समझदा कदे पहला मेरी सोच विच इस तरह का वाकया होया होवे जिहदे विच मुख विरोधी पार्टी दे मुख नेता एक मानहानि दे केस विच जिहड़ा कि फॉल्स रजिस्टर्ड है गलत परचा करवाया, क्योंकि जो तक जिहदे नाल मानहानि नहीं हुंदी कानून ये कहिंदा वी उह आप केस पा सकदा है। ये तो किसी बंदे ने पाया कि मोदी साहब की मानहानि हुई राहुल जी ने की, ये कह के जिन्हें चोर है देश के उन्हां पिछे मोदी क्यों लगता है। गलत केस ते मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट 2 साल की सब तो वध सज़ा की, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग सभा की सदस्या रद्द करने लिए 2 साल की सज़ा होनी जरूरी होंगी और बिना वक्त दित्या बिना लाभ प्रणाली दे होंद विच हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने तो पहले ही अगले दिन सज़ा करन तो श्री राहुल गांधी जी की लोग सभा सदस्या रद्द करती। ये लड़ाई साड़ी राहुल जी नू पार्लीमेंट की सदस्या रद्द करन दी नहीं है, साड़ी लड़ाई है कॉन्स्टिट्यूशन दे संविधान दे धज्जियां अड़ाउण दी लड़ाई है। तुहानूं दस दईए कि कांग्रेस के सबका प्रधान राहुल गांधी उत्ते मानहानि दा केस दर्ज सी जिस ते अदालत वालों फैसला सुनाते हुए उन्होंने 2 साल की सज़ा सुनाई गई है, जिस तो बाद उन्हों की संसद की मैंबरशिप रद्द कर दी गई जिसके विरोध में अब कांग्रेस वालों संकल्प सत्याग्रह किया जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह जानों मारने की धमकी मिली है, दसा जा रहा है कि यह धमकी ईमेल राही मिली है तो किसी राजस्थान के ईमेल एड्रैस तो यह धमकी आई है। तो दस दिए कि इस तो पहला भी सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह जानों मारने की धमकी मिली सी जिसते पुलिस वालों कार्रवाई की गई तो वह लड़का नाबालिग लड़का निकलिया, वह लड़का 10वीं क्लास का विद्यार्थी सी। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह इस तो पहला भी जानों मारने की धमकी मिल चुकी है जिसते कार्रवाई करदिआं मानसा पुलिस ने राजस्थान के जोधपुर तो एक नाबालिग बच्चे गिरफ्तार कर लिया सी जो 10वीं क्लास का विद्यार्थी सी। ते अज एक बार फिर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह राजस्थान तो ईमेल राही जानों मारने की धमकी मिली है। बलकौर सिंह मिली धमकी तो बाद पंजाब पुलिस मामले की जांच विच लग गई है। इस केस नूं आधार बना के यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि धमकी देने वाला व्यक्ति कौन है। तो दस दिए कि बलकौर सिंह नूं जो धमकी मिली है उस विच कहा गया है कि वह लॉरेंस बिश्नोई का नाम ना लैण। तो दस दिए कि सिद्धू मूसेवाला के पिता ते माता लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं जिसके चलते वो कई बड़े गैंगस्टरां दा नाम लैके उन्हां नूं फड़न ते उन्हां उत्ते कानूनी कार्रवाई करन दे अपील कर रहे हैं, जिस लई उन्हां वल्लों पंजाब विधानसभा दे बाहर धरना भी दिता गया सी। इस तों बाद मंत्री कुलदीप धालीवाल ने उन्हां नूं इंसाफ देण दा भरोसा दिता सी। इसे दौरान सिद्धू मूसेवाला दे पिता बलकौर सिंह नूं धमकियां देण दा दौर जारी है जिसके चलते पंजाब पुलिस वल्लों सिद्धू मूसेवाला दे माता पिता दी सुरक्षा दे सख्त प्रबंध कीते गए ने। हुण देखणा होवेगा कि पंजाब पुलिस कदों तक इस धमकी देण वाले व्यक्ति तक पहुंचदी है। फरार अमृतपाल सिंह दी भाल जारी है जिस लई पुलिस वालों वड्डा एक्शन किया जा रहा है, तो पुलिस वालों उसके कई साथियों को गिरफ्तार करके उस बारे पूछगिछ की जा रही है, तो इस जुड़िया कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई ने जिस विच अमृतपाल सिंह वख-वख शहरों में घूमता दिखाई दे रहा है। तो हुण इस वेले की वड्डी खबर सामने आ रही है
कि अमृतपाल सिंह नेपाल फरार हो सकता है, जिस दी संभावना नूं देखदे होए नेपाल अते भारत बार्डर ते अलर्ट जारी कर दिता गया। इसे दे चलदे अमृतपाल सिंह दे पोस्टर भी लगाए गए ने, जिस विच अमृतपाल सिंह दीआं दोवें फोटोआं जारी कीतीआं गईआं ने। अमृतपाल सिंह ते पप्पलप्रीत दे नेपाल भज्जण दीआं सारीआं संभावनाओं नूं देखदे होए उत्तर प्रदेश विच भारत नेपाल सरहद ते हाई अलर्ट जारी कर दिता गया है। भारत नेपाल सरहद ते अलर्ट जारी कर दिता गया क्योंकि यह पंजाब तों फरार खालिस्तानी अमृतपाल सिंह लई ट्रांजिट पॉइंट हो सकता है। अमृतपाल सिंह ते पप्पलप्रीत दे पोस्टर यूपी दे महाराजगंज जिले के सोनौली सरहद से लगाए गए हैं। इस दे चलते सीमा बल अते पुलिस ने भी चौकसी वधा दी है। भारत तो नेपाल आने वाले वाहनों अते यात्रियों की तिखी चैकिंग की जा रही है। सूत्रों वालों खबर मिली सी कि अमृतपाल सिंह ते पप्पलप्रीत नेपाल फरार हो सकते हैं, जिस तों बाद पुलिस ने सख्ती वधा दी है ते पुलिस वालों होटलों बसों पार्कों अते जनतक थावां ते तिखी नज़र रखी जा रही है। जांदे आंदे एक बार फिर नज़र मारदे आं अज दीआं मुख सुर्खियां ते। अमृतपाल सिंह दी नेपाल भज्जण दी संभावना नूं देखदे होए भारत नेपाल बार्डर ते कीता गया हाई अलर्ट। कांग्रेसी सत्याग्रह विच जगदीश टाइटलर दे शामिल होण ते बीजेपी आगुआं ने कांग्रेस ते साधे निशाने। अकाली दल दा साबका विधायक जगवीर सिंह बराड़ आम आदमी पार्टी विच होया शामिल। एक बार फिर सिद्धू मूसेवाला दे पिता बलकौर सिंह नूं मिली ट्विटर ते धमकी। अज दे पंजाब बुलेटिन विच इन्ना ही, नवीं ते ताज़ा खबरां नाल कल फिर हाजिर होवांगे। धन्नवाद।